दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक स्कैम बताने वाला हूँ कि जो सीसीटीवी कैमरा वाले हैं वो स्कैम आपके साथ कैसे करते हैं और आपको कैसे पागल बनाते हैं। अगर आप कैमरा लगवाना सोच रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ यही मैटर करती है सीसीटीवी कैमरा में। मेरे पास कुछ हार्ड डिस्क है जो कि है तोशिबा की WD-C8 और ये कंपनी है कुछ कंसिस्टेंट कुछ इस तरह की कंपनी है। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर आप कस्टमर क्या करते हैं जो सीसीटीवी कैमरा वाले हैं वो आप लोगों को नहीं बताते कि किस कंपनी की हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। ये कुछ 500 GB की जो हार्ड डिस्क होती है कंसिस्टेंट कुछ नया ब्रांड है इसकी आपको लगा के दे देते हैं। ये जो हार्ड डिस्क होती है ये नहीं होती मतलब फ्रेश पीस नहीं होता। ये क्या करते हैं जो रिफर्बिश हार्ड डिस्क होती है जो खराब हो गई जैसे मेरी ये हार्ड डिस्क खराब हो गई तो इनको सही करके ये इनको नया बना के घिस घुस के इनको अच्छे से पेंट पांट करके दे देते हैं आपको और आप लोगों को लगता है क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं वो ये चीजें चेक नहीं करते क्योंकि उन्होंने कौन सी हार्ड डिस्क लगाई है कौन सी नहीं। वो क्या करते हैं जो कैमरे वाला है उसके ऊपर भरोसा करते हैं और वो उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये जो अगर आप 500 GB की WD की हार्ड डिस्क लेते हैं और कंसिस्टेंट की हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपए का फर्क देखने को मिलता है। जहाँ ये हार्ड डिस्क आपको 1800 से 2000 रुपए की रेंज में देखने को मिलती है वहीं ये हार्ड डिस्क आपको 800 से 900 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाती है। और जो आपका कैमरे वाला है वो आपसे इस हार्ड डिस्क के पैसे लेता है ना कि इस हार्ड डिस्क के, वो आपको इस हार्ड डिस्क के रेट देगा और बदले में इस हार्ड डिस्क को आपको लगा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चाहे ये लगे चाहे ये लगे हमें इससे क्या मतलब, हमें तो अपना डेटा चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये जो हार्ड डिस्क होती है इनकी लाइफ कम से कम 5 साल होती है क्योंकि 3 साल की या 2 साल की कंपनी इनको 3 साल की या 2 साल की कम से कम गारंटी देती है। गारंटी इनकी भी 2 साल की है लेकिन ये 2 साल में आपकी कम से कम 10 बार खराब होती है। आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है सारा, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग छोड़ देती है, ऐसी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो सिर्फ आपको इसी हार्ड डिस्क में देखने को मिलती है। आपका जो DVR है वो बार बार बजर करने लगता है और कई सारी दिक्कतें सिर्फ इसकी वजह से है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं तो आप दोनों को नोट करना पड़ेगा कि आप Seagate लगवा रहे हैं, WD लगवा रहे हैं, तोशिबा लगवा रहे हैं, ये कंसिस्टेंट की जो ये हार्ड डिस्क है ये लगवा रहे हैं। अगर आप ये हार्ड डिस्क लगवा रहे हैं तो इसमें आपको 2 चीजें नोट करनी है, आपको इसी के रेट लेने हैं कि भाई जब मैं ये हार्ड डिस्क लगवा रहा हूँ तो मुझे इसी के रेट दो ना कि मैं WD लूंगा। क्योंकि जो एक बासुमती जो आपको 800 रुपए में 900 रुपए में मार्केट में मिल रही है उसके आप 1800 रुपए 1900 रुपए क्यों दोगे, तो आप डबल दोगे। आपको इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप चौकन्ना हो जाए और जो सीसीटीवी कैमरा वाले फ्रॉड करते हैं उनसे आप सावधान हो जाइए क्योंकि 99% जो सीसीटीवी कैमरा वाले हैं वो यही हार्ड डिस्क चिपका देते हैं अपने कस्टमर को और उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद फिर उसके यहाँ नहीं लगाते हैं। उन्होंने एक धंधा बना लिया है कि हार्ड डिस्क उनके यहाँ पे लोकल लगा दो, हल्की कंपनी की लगा दो, 1-2 साल 1 साल की उनको गारंटी दो और हर 2 साल बाद या 1.5 साल बाद उनकी हार्ड डिस्क चेंज करते रहो और उनसे पैसे बनाते रहो। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको WD तोशिबा या जो भी आपको हार्ड डिस्क लेनी है आप उसे लो, उसका जो सीरियल नंबर है उसे आप गूगल करके हर कंपनी की साइट है और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क गारंटी पे है या नहीं है। लेकिन ये जो उल्टी सीधी कंपनियां हैं इनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है और ना ही आप इनके प्रोडक्ट की कोई भी वारंटी चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप कोई ओरिजिनल हार्ड डिस्क लेते हैं WD तो उसी बाकी तो उसकी आप गारंटी वारंटी डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं लेकिन इस तरह की जो हार्ड डिस्क है उसकी गारंटी या वारंटी आप उसी से ले सकते हैं जिसने आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल की है। अगर वो आपका चला गया, आपका फोन नहीं उठाता तो आपके जितने भी पैसे आपने इस हार्ड डिस्क में लगाए वो सब बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए आप भी सीसीटीवी कैमरा लगवाने से पहले ध्यान दें कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पे आपको क्या सामान इंस्टॉल हो रहा है और क्या नहीं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सीसीटीवी की नई नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।